तो वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं 101, जी हाँ, 101 वीवीए स्मॉल एग्जांपल पे। और ये हमारी चौथी एग्जांपल है जिसमें हम बात करेंगे कि हम कुछ ऐसा मैक्रो बनाया जो कि जितना सीट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उतना सीट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसका यूज आगे आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं एड शीट के नाम से, या जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। अब इसके बीच में प्रोग्रामिंग रखेंगे, अब उसके मुझे मुझे चाहिए एक इनपुट, तो मैंने यहाँ किया डिम एस सी एज ए लॉन्ग, क्योंकि काउंट जो है नंबर है इसलिए हम लेंगे लॉन्ग। और एस सी के ऊपर हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स लेंगे कि इनपुट बॉक्स, यहां पे प्रॉम्प्ट देते हैं कि एंटर नंबर फोर एडिंग सीट। सिंपल सा, इसके अलावा और भी चीजें दे सकते हैं लेकिन इतना ही हम देके छोड़ देते हैं। अब तो बारी आती है सीट इंसर्ट करने की। सीट कैसे इंसर्ट करेंगे, क्या इसके लिए हम लूप लगाए या बिना लूप के भी हो सकते हैं, वो चीजें भी हम यहां करके आपके सामने देखेंगे। लेकिन लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमारी एक बैच स्टार्ट हो रही है कंप्लीट वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग की, जी हाँ, जिसमें हम दो कोर्स कवर करेंगे, एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग एंड रिपोर्ट ऑटोमेशंस। एक ग्रुप क्लास है जो कि रात के 9 बजे 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। जी हाँ, 3 डे क्लास, 3 डे प्रैक्टिकल का सिस्टम इसमें रहेगा। और इसमें कंप्लीट वीवीए कोडिंग, माइक्रोज, इवेंट माइक्रोज, फंक्शंस फॉर्मूले, यूजर फॉर्म इंटरफेस, डेटाबेस कनेक्टिविटी, रिपोर्ट ऑटोमेशन, इसमें हम 10-15 लाइव एग्जांपल आपके साथ कवर करेंगे। जी हाँ, कंप्लीट वीवीए 0 से 100 तक, मतलब कि बेसिक टू एडवांस, 0 टू 0 आप कह सकते हैं इसको यूज करेंगे। ये आपकी ग्रुप क्लास है, इस कारण इसकी फीस आपको जस्ट 2500 होगी। अगर इसी की अगर आप 1 टू 1 क्लास लेते हैं तो 15,000 फीस है, बट ग्रुप क्लास में जस्ट 2500 फीस होगी। तो फटाफट कॉल कीजिए और मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये बाकी ट्रेनिंग से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ 8-10 लोगों का ही बैच होता है जिसमें आप मैं डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीजें होती है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, आपके दिए गए जितने भी नोट्स होते हैं, आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम होती है उस पर भी असिस्ट करता हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। Recording in progress. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे सीट्स डॉट एड, और यहाँ जब स्पेस देंगे तो ये बिफोर आफ्टर होगा, इसको कॉमा कुछ काउंट के अंदर मैं यहाँ पे एससी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, काउंट के अंदर जस्ट एससी। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूं और यहाँ पे नंबर देता हूं मान लीजिए 3, तो एक बार में 3 सीट ऐड होंगे। देखिए यहाँ पे 3 सीट आपको ऐड हो गए एक ही बार में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से सीट 1 सीट 2 नहीं हो, मेरे हिसाब से नाम हो, जैसे डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3, तो वो चीजें भी यहाँ पे हम बनाएंगे। तो उस केस में मुझे लूप लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 इस तरह से हो, तो यहाँ लिखूंगा 4i = चले 1 to SC एंड सीट्स। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एस एस इक्वल टू सीट्स डॉट एड, और यहाँ पे विथ एस इक्वल टू विथ एस, यहाँ पे डॉट नेम इक्वल टू यहाँ लिखेंगे डेटा, और डैश इसके साथ हम 1 ले देंगे। और इसके अलावा और भी करना है तो कर सकते हैं, या भी ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल सा लिख देंगे कि सीट्स डॉट एड, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, डेटा के साथ हम आई को कंबाइन कर देते हैं, एन परसेंट लगा के आई कंबाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम दे देंगे डैश। क्या दे देंगे, डैश दे देंगे, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई करके लूप क्लोज कर देंगे। अब जैसे रन होगा, रन हो से पूछेगा नंबर, यहाँ पे सीट का एक नाम का 2 मैक्रो नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको रन करूंगा
रन करते पूछेगा नंबर से फाइव दे दिया, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ डेटा फाइव डेटा सिक्स सेवन एट इस तरह से एंट्री हो गई। आप भी इस तरह की शीट एंट्री कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोज इकट्ठा मिल जाएंगे। जी हाँ, पूरा सीक्वेंस में A to Z सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ऐप का लिंक डाला है, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।